हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ हमारा राजस्थान भाग दो का चैप्टर सिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख शासक। स्टूडेंट्स, पहले हमने जैसे कहा है कि हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे सिक्स टू टेंथ की, तो उसी के अनुसार जो क्लास सेवन्थ में हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो चैप्टर सिक्स सेवन एट नाइन टेन है। तो आज हम सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शासक। स्टूडेंट, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट छः, राजस्थान के प्रमुख शासक। इसमें हम पृथ्वीराज चौहान, सवाई जय सिंह, कुंभा, राणा प्रताप और बहुत सारे शासक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला हमारा स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज चौहान। इसमें ये वही फैक्ट्स रखे गए हैं जो क्लास सेवन्थ के अंदर बुक्स में दे रखे हैं चैप्टर सिक्स के अंदर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब का था, 1177 से लेके 1192 तक, ठीक है, 1177 से लेके 1192 तक, ये इनका एक टाइम पीरियड था शासन का। और ये टाइम पीरियड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ मुख्य मुख्य शासकों के तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ध्यान रखा 1111 तो इधर ऐसे ही है और 7792 ऐसे याद रखिए, 7792 1111 तो दोनों तरफ है ही सही। अब माता का नाम कपूर देवी, कई बुक्स में कपूरी देवी भी है लेकिन क्लास सेवन्थ के अनुसार कपूर देवी, और पिता का नाम सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही सर्वप्रथम किस ओर ध्यान दिया, तो आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के शासक बनते ही उसने राज्य के आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे, 6 भाषाओं के। पृथ्वीराज रासो किसने रचना किसने बनाई है किसने की है, ठीक है, चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो रचना चंद्र बरदाई द्वारा बनाई गई है, निर्मित, ठीक है। फिर है पृथ्वीराज रासो के दरबार में, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन से कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रमुख कवि या विद्वान कौन कौन से थे, विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीभट्ट। आपको ये कवि या विद्वान आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बागीश्वर किनके दरबार में विद्वान थे, तो किनके थे, पृथ्वीराज चौहान के, विद्यापति गौड़, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीभट्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुंभा। कुंभा का शासनकाल 1433 से लेके 1468 तक, 1438 फिर 1468 तक। देखिए 14-14 सेम रहेगा, 33 और 68 ऐसे याद करना, 3-3-6-8 इस तरीके से याद करेंगे ना आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। 1433 से 1468 जन्म है इनका, 1417 में चित्तौड़ में इनका जन्म कहाँ हुआ था, चित्तौड़ में, कब, 1417 में। मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे, 1433 में बैठे, मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे थे, 1433 में। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व का त्रिवेणी संगम क्या था, कटार, कलम और कला। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व का त्रिवेणी संगम क्या था, कटार, कलम और कला। राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी कुंभा जी की, ठीक है, महाराणा कुंभा की, बूंदी, गागरौन, सिरोही, बांगड़ पर विजय और मेवाड़ मारवाड़ के मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, प्रमुख थी। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, बूंदी, गागरौन, सिरोही, बांगड़ ये प्रदेश क्या थे, विजयी करे इन्होंने, और मेवाड़ और मारवाड़ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रमुख थी इनकी। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके टाइम पीरियड को माना गया, महाराणा कुंभा का शासन का सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग था, ठीक है। मेवाड़ का स्वर्ण युग कब था सांस्कृतिक दृष्टि से, महाराणा कुंभा के टाइम का, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कुंभा द्वारा दुर्गों का निर्माण, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण तो किसने करा है, महाराणा कुंभा ने। अब कौन कौन से दुर्ग देखिए, निर्मित दुर्ग कौन कौन से थे जिन्होंने बनाए, अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमड़ का दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। अचलगढ़, बसंती का दुर्ग, भोमठ, मचान, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। अब और देखिए आगे, इनके रचित संगीत ग्रंथ, इनके रचित जो संगीत ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। कौन कौन से थे, संगीतराज,
संगीत मीमांसा सूड प्रबंध। कुंभा ने नेक्स्ट देखिए, कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर कौन सी टीका की रचना की, उनकी जयदेव द्वारा रचित कौन सी टीका थी, गीत गोविंद रचना थी, और इन पर कुंभा जी ने टीका लिखी कौन सी, रसिक प्रिया टीका की रचना की, कौन सी रचना की, रसिक प्रिय टीका किस पर, जयदेव के गीत गोविंद रचना पर। और इन्होंने और कौन सी टीका की थी कुंभा जी ने, चंडी शतक की टीका। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जयदेव द्वारा जो रचित गीत गोविंद था उस पर तो उन्होंने रसिक प्रिया की टीका की, और नेक्स्ट और कौन सी टीका करी, चंडी शतक की टीका। इनकी उपलब्धियाँ सॉरी उपाधियाँ, इनको किन किन उपाधियों से नवाजा गया, महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। महाराजाधिराज, राय रायन, ये इम्पोर्टेंट है, राय रायन, ठीक है, राय रायन को ध्यान रखिएगा। महाराणा तो महाराणा कुंभ आपको ध्यान ही है, राज, दान, हाल, परम और चाप गुरु, ये इनकी उपाधियां थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, देखा करें, कभी भी बीच में से आप काट के या ऐसे एक दो मिनट की देखते हैं तो स्टूडेंट आप भी समझिए कि जब कोई आपको लेकर के क्लास लेकर के आ रहा है तो वो पहले कितनी मेहनत करता होगा, किस तरीके से नोट्स तैयार करता होगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। महाराणा सांगा जी के शासनकाल कब था, 1509 से 1528 तक। महाराणा सांगा का शासनकाल क्या था, 1509 से 1528। वास्तविक नाम संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके पुत्र थे, राणा रायमल के। राजपूतों को संगठित कर एक छत्र के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा सांगा। शरीर पर कितने घाव थे इनके, 80 घाव। युद्ध से लड़ते इनके शरीर पर कितने घाव हो चुके थे, 80 घाव। अब देखिए महाराणा प्रताप पढ़ेंगे हम, शासनकाल इनका 1572 से 1572 से लेके 1597 तक इनका शासनकाल रहा। पिता थे इनके उदय सिंह, जन्म इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। इनका जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में, ठीक है, और कुंभा का काम हुआ था चित्तौड़ में। इनकी माता का नाम जयंताबाई। राजाभिषेक 28 फरवरी 1572 को, राजाभिषेक की डेट भी ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं, कब गए, कौन गए, उनके भाई जगमाल चले गए। महाराणा प्रताप के जो भाई थे जगमाल, वो नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। महाराणा प्रताप ने कृषि व वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन प्रश्न। महाराणा प्रताप ने कृषि व वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई, विश्ववल्लभ पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखवाई थी, विश्ववल्लभ। अब देखिए मालदेव पढ़ेंगे हम, मालदेव का शासनकाल 1532 से लेके 1562। मालदेव का शासनकाल कब का है, 1532 से 1562। ये किसके पुत्र थे, राठौर वंश के राव गांगा के। ठीक है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इनके पिता का नाम, शासनकाल, इनको किस उपनाम से जाना जाता था, जरूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर वही फैक्ट्स हैं जो क्लास सेवन्थ के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। मारवाड़ का शौर्य युग किसका शासनकाल कहलाता है, राव मालदेव का। स्टूडेंट सिक्स टू टेंथ का तो आपको रट लेने हैं सारे प्रश्न, और इसके बाद आप एक गाइड को आधार बनाइएगा, ठीक है, ऑथेंटिक, जिसमें ज़्यादा मिस्टेक ना हो, इस तरीके की किसी गाइड या बुक को एक आधार जरूर बनाइएगा, जिसमें कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं उसके अंदर, ठीक है। मारवाड़ का शौर्य युग किसका शासनकाल कहलाता है, शौर्य युग राव मालदेव का, ठीक है। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे, 52। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था, 58। मालदेव ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, सोजत, ठीक है, मेड़ता, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में, पोकरण दुर्ग, ये तीन दुर्गों का निर्माण उसने कराया। देहांत मालदेव का कब हुआ था, 1562 में। फारसी इतिहासकारों ने इनको क्या कहा है, हशमत वाला शासक, ताकतवर।
हशमत मतलब ताकतवर। तो फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है। प्रश्न आ सकता है कि हशमत वाला शासक किसे कहा गया है। ऑप्शन में आ जाए मालदेव, महाराणा राय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। तो अपन के हशमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने किसे कहा है, मालदेव को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक जो नेक्स्ट शासक है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, एक ही क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।